नमस्कार भाइयों, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज की इस वीडियो में आपका भाई प्रद्युमन स्वागत करता है एक बहुत ही धमाकेदार और एनर्जेटिक एनर्जी के साथ में आज की इस वीडियो में। बिकॉज आज की वीडियो का टॉपिक, टाइटल या थंबनेल जो भी बोल लो, आपने देख ही लिया होगा कितना ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। और स्पेशली ये उन 95% ऑफ लोगों के लिए है जो कि अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा दुखी रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा सैड रहते हैं बिन बात के ही, और उन्हें पता भी नहीं होता कि उनकी लाइफ का जो पर्पज़ क्या है, उनकी लाइफ का गोल क्या है। या शायद उन्हें पता भी होता है, फिर भी वो अपनी गोल पर ना फोकस करके जो है वो अपनी सैडनेस पर फोकस करते हैं, हमेशा रोते रहते हैं। तो आज की वीडियो आप समझ सकते हो कि आपके लिए या फिर 95% ऑफ लोगों के लिए जो कि अपनी लाइफ में रहते हैं बहुत ज़्यादा दुखी, उनके लिए कितनी ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। तो यार, मेरा आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को जो है वो एंड तक देखो, और आपको अच्छी लगी तो ज़रूर इस वीडियो को सभी के साथ में शेयर करो, क्योंकि आज की वीडियो आप सभी के लिए और उन सभी के लिए जिनको आप शेयर करने वाले हो ये वीडियो, उन सभी के लिए और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है, बहुत ही ज़्यादा जो है वो यूज़फुल होने वाली है। क्योंकि मैंने इसमें बहुत सारे वैल्यू ऐड किए हैं आप सभी के लिए, और ऐसा वैल्यूबल कंटेंट मैंने लाया आज की इस वीडियो में, वो तो आपको तभी पता चलेगा जब आप इस वीडियो को एंड तक देखोगे। तो मेरे भाई, मैं बिना किसी तरीके शुरू करता हूँ आज की ये वीडियो। और उससे पहले कि अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो मेरे भाई क्या कर रहे हो यार, जाओ जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। बिकॉज इंस्टाग्राम पे भी मैं ऐसे शॉर्ट वीडियोस जो कि मैं हर अपनी वीडियो में बोलता हूँ, यूट्यूब की वीडियो में बोलता हूँ कि जो कि हम यहाँ पे नहीं ला सकते, वो वीडियो हम इंस्टाग्राम पे अपलोड करते हैं जो कि आपके लिए शायद बहुत ज़्यादा लाइफ चेंजिंग, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली हो। और मैं इंस्टाग्राम पे ज़्यादा से ज़्यादा अपडेटेड रहता हूँ, इसलिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर लीजिए, और लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। फर्स्ट पॉइंट है, दे आर थिंकर नॉट डूअर। ये अक्सर देखा गया है 95% लोगों में, और स्पेशली उन लोगों में जो डे ड्रीमर होते हैं, वो कभी भी अपने काम को करते नहीं हैं, एक्शन नहीं लेते हैं अपने वर्क पे। वो हमेशा सोचते रहते हैं, अपने दिमाग में ख्याली पुलाव पकाते रहते हैं, पकाते रहते हैं। वो कभी भी अपने काम को नहीं करते हैं, और करते हैं तो भी थोड़ा सा करते हैं, और जब उनको फेलियर्स दिखाई देते हैं तो उस काम को क्विट कर देते हैं, और फिर अपनी ज़िंदगी में परेशान हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, और उनको ऐसा लगता है कि वो अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते या वो अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। उनको पता होता है कि उनको उन काम को कैसे करना है, लेकिन फिर भी वो एक्शन नहीं ले पाते किसी न किसी वजह से, किसी न किसी कारण से। तो यार, आपके लिए मेरे पास में एक ही सॉल्यूशन है, और एक ही मैं कह सकता हूँ कि एक ही उपाय है कि यार, थिंकर नहीं डूअर बनो। एटलीस्ट एक बार कोशिश करो। मैं जानता हूँ कि आपको हेरिटेज होगा उस काम को करने में, लेकिन एक बार फेलियर की चिंता ना करे बगैर एक बार उस काम को स्टार्ट करके देखो। जब आप उस काम को स्टार्ट करोगे तब आपको ये महसूस हो जाएगा अपने आप ही कि हाँ, आप इस काम को कर सकते हो। और जब उस काम को करने की ठान लो तो फिर कभी भी पीछे मत हटना। हमेशा चाहे जितने भी फेलियर्स मिले आपको अपनी लाइफ में, चाहे आपको यहाँ से यहाँ पे क्यों ना गिरना पड़े, मेरे भाई कभी भी उस काम को छोड़ना मत। क्योंकि या तो किसी काम को हाथ में लेना मत, और जब ले लिया हाथ में उस काम को तो मेरे भाई उसको पूरा किए बगैर दूसरे काम में हाथ बिल्कुल भी मत डालना। और मल्टीटास्किंग तो करने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। पहले अपने एक काम को सुधारो, उसके बारे में सीखो, नॉलेज लो, और उस काम को करो, और जब वो काम पूरा हो जाए तो फिर दूसरे काम की ओर बढ़ो। वहाँ पे आपको सक्सेस मिलने के चांसेस जो है वो ज़्यादा बढ़ जाएंगे। दूसरा है यहाँ पर मेरे भाई कि वो ऐसे लोग होते हैं जो 95% लोगों में आते हैं जो अपने आप से दुखी रहते हैं, अपनी लाइफ को लेके अनसेटिस्फाइड रहते हैं। वो हमेशा ये गलती अपनी लाइफ में बहुत बार दोहराते हैं कि वो हमेशा दूसरों को देखते हैं, कभी अपने आप को नहीं देखते, कभी अपने अंदर नहीं जा के देखते। जी हाँ, वो हमेशा ऐसे लोग होते हैं, और मैं जानता हूँ कि आप भी उनमें से हो सकते हो मेरे भाई।
एक बार है ना बस अपनी गलती का भार अपने खुद पर रख कर देखो मेरे भाई, जो चेंजेस आपकी लाइफ में आएगा ना, आई एम 100% डैम श्योर कि आप दूसरी बार आओगे इस वीडियो पे और थैंक यू लिख के जाओगे कि भाई सच में यार आपने बोला और हमने वो किया और हमारी लाइफ में ये चेंजेस हुआ। तो मेरे भाई कभी भी अपनी खुद की गलती का जो मौका है वो, या फिर मैं कह सकता हूँ कि यार अपनी खुद की गलती जो है वो अपने खुद पर अपने खुद एक्सेप्ट करो उस चीज़ को। यार एक्सेप्ट क्यों नहीं करते हो तुम? एक्सेप्ट करना पड़ेगा आपको मेरे भाई। जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करोगे ना अपनी गलती को कि हाँ मैंने ये गलती की है, सामने वाले को मत देखो, वो उसका कर्म है, उसने कर दिया और उसका फल उसको मिल जाएगा, अच्छा या बुरा, ठीक है। आपको अपना देखना है, आप हमेशा अपना देखो कि आपने क्या किया, अपनी गलती का जो भी है ब्लेम या जो भी आप कह सकते हो वो अपने खुद के सर पे भार डालना सीखो। जब आप अपनी खुद का ब्लेम अपने ऊपर रखोगे ना तब आपको इम्प्रूवमेंट बहुत ही जल्दी मिलेगी, और जब आपके अंदर इम्प्रूवमेंट होगी ना तो आपको सक्सेस भी बहुत ही जल्दी मिलेगी मेरे भाई। वो खुद को कम और दूसरों को ज़्यादा देखते हैं, ऐसे लोग जो 95% लोगों की कैटेगरी में आते हैं और जो अपने आप से अनसेटिस्फाइड रहते हैं, जो अपने आप से गुस्सा रहते हैं, जो अपने आप को लेके परेशान रहते हैं, हताश रहते हैं, जो अपनी ज़िंदगी को लेके जो ये चिड़चिड़े स्वभाव के थोड़े रहते हैं, तो मेरे भाई ये गलती कहीं ना कहीं करते हैं कि वो कभी भी अपने खुद के अंदर नहीं जागते, वो हमेशा दूसरों को ब्लेम करते हैं। यार पता है हम कमज़ोर लोगों की है ना यही प्रॉब्लम होती है कि हम हमेशा दूसरों को ब्लेम करते रहते हैं कहीं ना कहीं। तो मेरे भाई दूसरों को ब्लेम करना छोड़ो और अपनी गलती की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो अपने खुद के सर पे लेना सीखो, अपनी खुद की गलती का भार जो है वो अपने आप पर लेना सीखो। जब आप ऐसा करोगे तो आपको एहसास होगा कि हाँ आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चेंजेस की ज़रूरत है अपने अंदर, और जब आप उन चेंजेस को अपने अंदर लेके आओगे तो मेरे भाई आप कहीं ना कहीं अपने आप को इम्प्रूव करोगे। और मेरे भाई इम्प्रूवमेंट आप मानो या ना मानो इम्प्रूवमेंट यहीं से आता है। जो कहते हैं ना कि हम इंसान समय के साथ में बदलता है, तो वो मेरे भाई ठोकरे खाता है, ठोकरे खाने के बाद में अगर वो अपनी खुद की गलती का ब्लेम अपने खुद पर लेता है और अपने आप को चेंज करता है तो मेरे भाई वो इंसान बदल जाता है पूरी तरीके से, और वो अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड हो जाता है अपने आप ही, क्योंकि उसको जो कमियाँ लग रही थी अपने अंदर वो इंसान उस कमियों को चेंज कर चुका होता है कहीं ना कहीं। तो वो मेरे भाई अपनी लाइफ को चेंज कर लेता है और बस उसकी लाइफ जो है वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा खुश रहने लगता है वो इंसान अपने आप से। खुद को कुछ नहीं करना और बर्बादी का कारण किसी और को बताना है, ये पॉइंट थोड़ा सा सेकंड पॉइंट से रिलेट करता है, लेकिन ये पॉइंट सेकंड पॉइंट से थोड़ा सा अलग भी है, वो सुनिएगा कैसे। मेरे भाई हम मिडिल क्लास लोगों की ना यही प्रॉब्लम होती है कि हम अपनी गलती का जो भार है वो दूसरों पे डाल देते हैं और यहाँ पर अपने आप को सेटिस्फाइड कर लेते हैं, और फिर हमारी जो पूरी ज़िंदगी है वो ऐसे ही चलती रहती है। जैसा कि मैंने सेकंड पॉइंट में आपको बताया था कि इंसान को इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होती है अपने अंदर, लेकिन जब आप अपनी गलती का ब्लेम दूसरों के ऊपर रख देते हो तो मेरे भाई आप एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी को मिस कर देते हो, आप उस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को मिस कर देते हो जहाँ पे आपको अपने आप को चेंज करना चाहिए था, लेकिन आपने अपने आप को चेंज नहीं किया, आपने बस अपनी गलती का ब्लेम दूसरा पर डाल दिया और उस चीज़ को इग्नोर कर दिया। आपने उस चीज़ को इग्नोर नहीं किया मेरे भाई, आपने उस अपॉर्चुनिटी को इग्नोर किया है जो आपकी लाइफ को पूरी तरीके से चेंज कर सकती थी। तो सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई हो। मेरे भाई अगर आज की वीडियो आपको सच में पसंद आई हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना सभी के साथ में। अंत में मेरे भाई बस इतना ही कहूँगा कि सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल को और प्रेस कर लीजिएगा बेल आइकन को, जिससे कि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में, ऐसे ही प्यार दिखाते रहो।